धीम यो नचोदयाद गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरव महेशर गुरु श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं मेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन नमः श्रीगुरव नम मतृवलाल्यथ पितृवर्तमा दर्शिता नमो गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा युताचया ओम श्री गुरु वे मेरे आत्मिक भाइयों एवं बहनों परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का श्रीमद भगवद गीता की दूसरी कक्षा है पहले अध्याय में पहली जो कक्षा थी वो थी कि श्रीमद भगवद गीता चाहती क्या है आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि श्रीमद भगवद गीता में कहा क्या गया है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मानव के जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक है आपको पतन के मार्ग से उठाने की शक्ति केवल है तो परमात्मा में। ग्रस्त अर्जुन जो जानता था कि युद्ध कैसे करते हैं फिर भी गांडी जैसे धनुष को लेने के बावजूद युद्ध नहीं कर सका क्या कारण था आप इस बात को सोचते हैं कि प्रतिभा कितनी भी हो कितनी भी प्रतिभाएं आपके अंदर हो आप जीवन की युद्ध को बिना श्रीमद गीता की नहीं लड़ सकते। जीवन रूपी युद्ध जो है इसे लड़ने के लिए आपको श्रीमद गीता चाहिए जो है, इस ये एक सिंबल है, जिसके पास प्रतिभा प्रचुर मात्रा में विद्यमान है परमात्मा नहीं है आत्मबोध नहीं है आत्मज्ञान नहीं है जिसकी वजह से वह युद्ध करने के लिए मना कर देता है अब उस अर्जुन की मानसिक स्थिति देखिए वह मानसिक अवसाद में चला जाता है उस क्षण में श्रीमद भगवत गीता का प्रादुर्भाव के युद्ध क्षेत्र में होता है आज जी, जो मानव की परिस्थितियां हैं वह उससे भी विभस्त है हर बच्चे को पूछो अवसाद ग्रस्त हो जाता है तनाव ग्रस्त हो जाता है किसी विद्यार्थी को पढ़ने का तनाव हो जाता है कोई जॉब करने वाला है अच्छा खासी इनकम है उसको भी स्ट्रेस हो जाता है जो घरेलू लोग हैं परिवारों में तनाव हो जाता है इन सभी चीजों को अगर कोई एक सूत्र है जिससे इनका हल निकाला जा सकता है वह है श्रीमद गीता श्रीमद गीता हम सभी खरीद लेते हैं पर करते क्या है उसे आप कभी कभी देखिए वह घर में पूजा के स्थान पर रख दी जाती है श्रीमद गीता में भगवान अपने आप को धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती इसके साथ साथ कहते हैं कि आप इस गीता का अध्ययन करो अगर नहीं कर सकते तो किसी से श्रवण करो आग अगर आप इसे अध्ययन करने की स्थिति में हो तो दूसरों को बताओ भगवान कहते हैं जो मेरा दिया हुआ ज्ञान दूसरों को देता है मैं उसके द्वारा ज्ञान योग से उपासित होता हूं सोचिए कितनी बड़ी बात योगेश्वर श्रीकृष्ठ कुरुक्षेत्र के मैदान में कहकर चले जाते है। और हम जैसे मूढ़ मनुष्य आज तक इस बात को समझ नहीं पाते बार बार श्रीमद भगवद गीता सिर्फ एक ही बात कहती है गीता का क्या संदेश है कोई अगर कहे कि गीता क्या बताती है गीता तो कहती है प्रकाशमान हो जाओ दिव्य हो जाओ तेज तेजमय हो जाओ तुम साधारण नहीं अलौकिक हो गीता ये कहती है तुम्हारे कड़कड़ में मैं व्याप्त हूं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण यह स्वयं कहते हैं कि यत्र योगेश्वर तत्र श्री विजय जहां पे भगवान स्वयं बैठे हो वहां पे तो श्री और विजय अपने आप उपस्थित हो जाएगी आप अपने जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं उन सब का निराकरण श्रीमद भगवद गीता कर देगी ब्रह्मास्त्र है समझ लो इस ब्रह्मास्त्र को आप धारण करें और आगे बढ़ें श्रीमद गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक हम लोग समझेंगे अब देखिए गीता शुरू कहां से होगी गीता की शुरुआत ही को करते हैं धृतराज कृष्णवाच गीता नहीं है श्रीमद भगवत गीता का पहला श्लोक है धृतराष्ट्र वाच अब सोचिए इस बात को धृतराष्ट्र पूछते हैं धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधा है अब इसका अगर शाब्दिक अर्थ बताया जाए तो जन्म से अंधा कौन है हमारा मन ही तो बंद है अब सोचिए इस बात को क्या हमने ईश्वर को देखा अनुभव किया जन्म से बिल्कुल नहीं किया क्या प्रयास किया जिस समय आपके अंदर यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है Yes, भगवदगीता शुरू होती है जब आप पूछोगे तभी उत्तर आएगा नहीं पूछोगे उत्तर नहीं आएगा ढूंढो तो सही पूछो तो सही स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं